कहा जाता है कि एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। हमारे देश में ऐसे कई नेता हुए हैं, लेकिन इन दिनों जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी। इस सियासी गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत का आंकड़े तक पहुंचाने से रोका तो एक दशक से हाशिए पर रहे विपक्ष को संसद में नई ऊर्जा देने का काम भी किया। राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी संसद में भी देखने को मिल रही है। राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये साझेदारी लंबी चल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को 27 में बड़ी चुनौती मिल सकती है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी यूपी के दो लड़कों का सियासी चक्रव्यूह कैसे भेदेगी। जुलाई महीने की पहली तारीख थी, 18वीं लोकसभा का संसद में पहला सत्र चल रहा था। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया, भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई गई। 10 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। इसके बाद जुलाई का ही महीना और 29 तारीख 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र चल रहा था। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, महाभारत की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह का किस्सा बताया और बता दिया कि इंडिया गठबंधन की राजनीति किस राह पर पढ़ने वाली है। जग सफेद टी शर्ट, हल्की बड़ी दाढ़ी, फुल कॉन्फिडेंस में सरकार पर तीखे वार। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं ऐसे ही नजर आते हैं। सरकार वही है, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में पहले से कहीं ज्यादा तेज धार जो सीधे सत्ता को ललकारती है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लेकर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश का टारगेट अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ऐसे हालात में राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुलाकात कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी को दो लड़कों की सियासी अटक को सीरियसली ले रही है। 100 न्यूज की रिपोर्ट।